हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के इस वीडियो में। और हम यहाँ पे बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट एआई टूल के बारे में, जिसकी सहायता से आप आसानी से बहुत ही कम समय में प्रेजेंटेशन अपना बना सकते हैं। जो भी टॉपिक आप डालेंगे वहाँ पे उसकी प्रेजेंटेशन बन जाएगी, और वो भी कुछ ही सेकंड्स में। जो समय आपको लगता था 2 से 3 घंटे, या कई बार इससे ज़्यादा भी समय लगता था कि आप जब किसी प्रेजेंटेशन को बनाने को बैठते थे, तो जैसे मान लीजिए किसी प्रेजेंटेशन को बनाना है तो पहले आप क्या करेंगे, गूगल में उस टॉपिक को सर्च करेंगे। टॉपिक को सर्च करने के बाद फिर वहाँ से 4-5 वेबसाइट आएगी, वेबसाइट में से फिर इन्फॉर्मेशन आप वहाँ से कलेक्ट करोगे, फिर इसको फॉर्मेट करके फिर कहाँ पर डालोगे अपने प्रेजेंटेशन वाली जो भी सॉफ्टवेयर है, जो भी स्लाइड्स वगैरह वहाँ पर डालोगे। चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट का पावर पॉइंट यूज़ कर रहे हो, या फिर गूगल की स्लाइड्स यूज़ कर रहे हो, या फिर कैनवा यूज़ कर रहे हो, तो पहले क्या क्या करेंगे आप, गूगल से टॉपिक सर्च करेंगे, उसके बाद फिर इसको कलेक्ट करके कहाँ पर डालेंगे जो प्रेजेंटेशन स्लाइड्स है उसमें लेके आएंगे। उसके बाद फिर आपको एक काम और करना होता है, वहाँ पर फोटोज़ भी लानी होती है आपको, ठीक है, जो फोटोज़ वगैरह जो होती है तो उसको भी आपको वहाँ पर लानी होती है। तो एक एक करके फोटोज़ आप लाएंगे, फिर फोटोज़ लाने के बाद ये सारी चीज़ें कम से कम 2 से 3 घंटे का समय लग जाता है सिर्फ एक सिंगल प्रेजेंटेशन बनाने में। लेकिन यहाँ पे 5 से 10 सेकंड के अंदर में इस टूल की सहायता से हम बना सकते हैं बहुत ही शानदार पीपीटी, और जो प्रेजेंटेशन जो हम बनाएंगे। और इसमें आप देखेंगे कि जो क्रिस्प फॉर्म रहेगा इसका, क्रिस्प और बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में, और फोटो भी ये जनरेट करके देगा, जो कि जिसको आप उपयोग कर सकते हैं कहीं भी, क्योंकि ये जनरेटिव होती है, इसमें किसी का कॉपीराइट नहीं होगा। तो ये जनरेट करता है ये एआई फोटोज़ को, तो आप इसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इस टूल को हम सीखते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे किसी भी वेब ब्राउज़र में, ब्राउज़र आप गूगल क्रोम यूज़ कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज यूज़ कर सकते हो, या फिर कोई भी ब्राउज़र आप यूज़ करेंगे। यहाँ पर आप गूगल में सर्च करेंगे टॉम एआई, सर्च करने पर आपको इस प्रकार का इंटरफेस आप यहाँ पे देखने को मिलेगा गूगल का। तो यहाँ पे गूगल में देखिए ये टॉम शेप एंड शेयर योर आइडियाज़ विद एआई, ये देखिए ये पहली वेबसाइट है tom.app। तो आप यहाँ पे करेंगे क्लिक, इस वाली लिंक पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पे दिखेगा। और हालांकि मैंने यहाँ पे ये साइन अप कर चुका हूँ, तो ये मुझे डायरेक्ट ही इसके होम पेज में ला के छोड़ दिया। लेकिन जब आप इसमें जाएंगे तो आपको पहले साइन अप करना होगा अपनी गूगल की जो जीमेल आईडी होती है उसकी सहायता से। अब जीमेल आईडी की सहायता से आप यहाँ पे साइन अप करेंगे, साइन अप करने के बाद ही ऑटोमेटिक साइन इन हो जाएगा। साइन इन होने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही अच्छा इंटरफेस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर लेफ्ट राइट कॉर्नर में सबसे ऊपर आपकी जो आईडी है वो यहाँ पर शो कर रही है, जिस नाम से आपकी बनी हुई है या जो ईमेल आईडी से आपने बनाए हुए। फिर यहाँ पर नोटिफिकेशन है, रिसेंट से, पर्सनल है, शेयर्ड विथ मी, या फिर ये बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि इस प्रकार के इंटरफेस में यहाँ पर राइट हैंड साइड कॉर्नर पर देखिए क्रिएट का बना हुआ, क्रिएट आप देख सकते हैं, जो हल्का सा पर्पल और पिंक कलर का मिक्सर यहाँ पर दिख रहा है, क्रिएट का ऑप्शन पर जरा क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप जो नई प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं वो यहाँ से बनेगी, ठीक है। उससे पहले आप देख सकते हैं ये प्री सेट्स है यहाँ पे, या टेम्पलेट इसको बोल सकते हैं, जो पहले से बनी हुई है। और जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे शुरू में तो ये वेबसाइट फ्री है, लेकिन यदि आपको इसका इस्तेमाल ज़्यादा है, या फिर आपको ये बहुत पसंद आ चुकी है ये वेबसाइट, तो आप इसका परचेज भी कर सकते हैं। इसको परचेज़ करेंगे तो इसमें बहुत सारे और फीचर अनलॉक आपके हो जाएंगे। यदि आपको करना हो तो आप कर सकते हैं, और यदि आपको नहीं करना तो जैसा कि मैं कर रहा हूँ अभी, मेरे पास 2-3 जो ईमेल आईडी वगैरह है, जैसे ईमेल आईडी है तो उसमें मैं एक में लॉगिन करके जो फ्री वाले जो चांस है वो ख़त्म करता हूँ, मैं दूसरे में स्विच कर लेता हूँ। हालांकि आप लोग ऐसा कर सकते हैं यदि आपको वो नहीं करना, तो हालांकि ये ठीक तो नहीं है, लेकिन फिर भी यदि शुरुआत में यदि आप सीखना चाहते हो एआई को, तो पहले ये फ्री टूल की सहायता से आप कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर हम चलते हैं सीधे क्रिएट वाले ऑप्शन में, क्रिएट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे राइट हैंड साइड कॉर्नर पर जो है, वहाँ पे आप देखेंगे उसको क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इस प्रकार का कि ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। पहला ऑप्शन यहाँ पे आप देख लीजिए, जो नीचे से पहला देखिए क्रिएट पेज अबाउट, एक पेज आप बना सकते हो। इसके ऊपर देखिए क्रिएट प्रेजेंटेशन अबाउट, ये सबसे महत्वपूर्ण है, हमको प्रेजेंटेशन बनाना है, ठीक है। क्रिएट प्रेजेंटेशन अबाउट यहाँ पर हम करेंगे क्लिक। इसके बाद ये पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द प्रेजेंटेशन अबाउट, अब प्रेजेंटेशन किसके बारे में, ठीक है। और इसके नीचे देखिए ये पेज सेलेक्ट करने का है कि कितने पेजेस आपको उसमें रखने हैं उस स्लाइड में। देखिए यहाँ पे हम आगे पीछे करेंगे इसको, तो एक कम ज़्यादा हो रहे हैं, मैक्सिमम जाएंगे 25 तक, ठीक है। ये फ्री अकाउंट हो सकता है, यदि आप पेड वाला लो तो 25 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर 5 पेजेस यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है। अब व्हाट इज़ द प्रेजेंटेशन अबाउट, किस बारे में प्रेजेंटेशन आपको बनाना है, तो रैंडमली हम कोई भी टॉपिक यहाँ पर डाल रहे हैं। फॉर चेक करने के लिए हम क्या डाल देते हैं, केयर फॉर ह्यूमन आइज फ्रॉम कंप्यूटर स्क्रीन,
कंप्यूटर स्क्रीन, ठीक है, ये हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हमको पीपीटी बनानी है, ठीक है, या पीएफ प्रेजेंटेशन बनाना है। तो हम ये देखिए यहाँ पे हमने कर दिए, अब लिख दिए, अब इसको हम करेंगे एंटर। एंटर करने के बाद ये देखिए जनरेटिव आउटलाइन यहाँ पे लिखा आ रहा है, तो ये जनरेट कर रहा है। ये देखिए पांच स्लाइड हमने इसको कमांड दी, तो पांच स्लाइड ये बना रहा है और ये जनरेट कर रहा है कि कौन सी स्लाइड आपको किस नंबर पर दिखने वाली है और उसके अंदर क्या क्या डेटा होगा। हम इसके अंदर पे हम जाएंगे, क्लिक करेंगे तो हमको पता चलेगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन इसने बना दिया, द प्रॉब्लम, टिप्स फॉर आई केयर, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेक्स और कंक्लूजन, ठीक है। ये एकदम अच्छा फॉर्मेट होता है, मतलब क्रिस्प फॉर्मेट। हमने पाँच स्लाइड उसको बोले थे बनाने के लिए, हम टेस्टिंग के लिए, तो ये पाँच स्लाइड उन्होंने बना के रख दिया। अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक या जो टिप्स है वो मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर इसके राइट हैंड साइड में जाएंगे इधर पे, तो ये देखिए तीन ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पहला ऑप्शन है माइनस का, प्लस का, फिर यहाँ पे ये है, ये छः डॉट यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे देखिए माइनस का मतलब इस स्लाइड को हटाना है ना, माइनस का मतलब इस स्लाइड को हटाना। इसके बाद देखिए प्लस, प्लस मतलब कुछ स्लाइड यहाँ पर जोड़ना, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर प्लस करेंगे, ये देखिए ये स्लाइड यहाँ पर जुड़ने लगी, तो वहाँ पर हमको देना है कमांड की कौन सी स्लाइड हमको जोड़ना है, तो हमको नहीं जोड़ना तो इसको बैक कर दो, ठीक है। इसके बाद देखिए ये लास्ट वाले जो छह डॉट यहाँ पे दिख रहे हैं, ये है सीक्वेंस को चेंज करने का। जैसे हम इसको ड्रैग करेंगे, माउस को पकड़ कर ड्रैग करेंगे, ये देखिए इसका सीक्वेंस ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है, इसका सीक्वेंस ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब सभी का सीक्वेंस आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है, इतना आप समझ गए। अब यहाँ पे देखिए जो हम यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं अपग्रेड टू प्रो, प्रो में अपग्रेड करने का बोल रहा है, ठीक है, लेकिन अपग्रेड हमको अभी नहीं करना है, हमको सिर्फ सीखना है। तो यहाँ पर देखो अपग्रेड हम नहीं कर रहे हैं, इनने मेरे को लगता है यहाँ के जो मेरे फ्री वाले जो टूल्स थे वो मेरे ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं आपको यहाँ बता दूँ कि ये इस प्रकार से यहाँ पीपीटी बन के तैयार हो चुकी है, ये बहुत ही कमाल की पीपीटी है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कैसी है एक एक स्लाइड, ठीक है, ये दो तो उन्हें वो एक्स्ट्रा जोड़ा है, क्यों, क्योंकि पहले तो हेडलाइन वाली ये जोड़ेगा, दूसरा क्या जोड़ेगा इसमें जो इंट्रोडक्शन या फिर जो उसकी आउटलाइन है वो यहाँ पे बताएगा कि किस किस पेज में या किन किन टॉपिक्स को यहाँ पे कवर किया गया, ठीक है। इसके बाद देखिए जो स्लाइड नंबर थ्री में, ये देखिए इंट्रोडक्शन यहाँ पर दिया है और इंट्रोडक्शन के बाद यहाँ पर देखिए ये पिक्चर यहाँ पर उसने बना के दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड नंबर की जो स्लाइड है, द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है, ये देखो ये इमेज इन्हें जनरेट करके दिया है, तो इस इमेज को आप उपयोग कर सकते हैं। फिर ये चौथे नंबर की, फिर ये पाँचवें नंबर की, फिर ये छठे नंबर की स्लाइड, ये इस प्रकार पाँच स्लाइड है, जो ऊपर की दो स्लाइड है वो तो इसी के बारे में कि इसके अंदर क्या है, तो मेनली इन्हें पाँच स्लाइड बनाए, हमने इसको पाँच स्लाइड बनाने का बोला था, ठीक है, वहाँ पर प्रॉम्प्ट दिया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बन चुकी है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, प्ले करेंगे राइट हैंड साइड कॉर्नर पे, ये आप देख सकते हैं, इसको प्ले करेंगे, प्ले करने के बाद ये रन हो चुकी है, ठीक है। इसको आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आगे पीछे करने का, ये शुरुआती जो स्लाइड है वो यहाँ पे दी गई पहली स्लाइड। अब इसको नेक्स्ट करेंगे, ये देखिए दूसरी स्लाइड, तीसरी स्लाइड, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं, ठीक है, कंक्लूजन, ये हमारी पीपीटी बनके एकदम तैयार हो चुकी है, ठीक है। यदि आप इसको डायरेक्ट ही दिखाना चाहते हैं किसी को तो डायरेक्ट भी दिखा सकते हो, और यदि आपको ऑफलाइन सेव करके फिर आपको कहीं शो करना है या फिर इस फाइल को सेव करके रखना है, तो यदि आप जब तक पेड ना हो ये सॉफ्टवेयर, तो आप इसका इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे ज़्यादा देर तक, या फिर आप इसको ओपन ही रखेंगे, तो जब आप कोई प्रेजेंटेशन देना रहा या कुछ समय प्रेजेंटेशन आपको देना, तो इस वेबसाइट को ओपन रखेंगे तो ये आप यहाँ से भी इसको डायरेक्ट दे सकते हैं। लेकिन यदि आप इसको ऑफलाइन सेव करना चाहते हैं जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में, यानी एमएस का जो है, माइक्रोसॉफ्ट का जो सॉफ्टवेयर है पावर पॉइंट में, यदि वहाँ पर सेव करना चाहते हो, तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे गए, ये पहली स्लाइड है, पहली स्लाइड को हम सेम टू सेम वहाँ पे लाना चाह रहे हैं पावर पॉइंट स्लाइड में। तो देखिए ये तो है फ्री टूल जो कुछ फ्री फैसिलिटी दे रहा है, लेकिन यदि हमको इसको और भी उपयोग करना है, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पावर पॉइंट हम खोलेंगे। सबसे पहले पावर पॉइंट खोलिए, पावर पॉइंट में हम एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर क्लिक करेंगे, ठीक है, ये आ गया ब्लैंक वाला प्रेजेंटेशन। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम स्लाइड वगैरह ऐड कर देंगे, स्लाइड्स हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ऐड स्लाइड में, किधर गई ऐड स्लाइड, ये देखो न्यू स्लाइड यहाँ पे आ चुकी, न्यू स्लाइड, ये देखो
दो तीन स्लाइड हमने यहाँ पे ला लिए। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका जो कलर है वो ब्लैक है, इसकी थीम ब्लैक है। और हाँ, यहाँ पे थीम आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पे राइट हैंड साइड में ये देखिए थीम यहाँ पे सेलेक्ट करने की, अपने हिसाब से थीम यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे ब्लैक थोड़ी अच्छी लग रही है तो हम ब्लैक में ही रहने देंगे। अब यहाँ पे देखिए प्रेजेंटेशन में जाएंगे, प्रेजेंटेशन कौन सा, जो पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन, वहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे व्हाइट है, ठीक है। हमको करना है ब्लैक थीम। थीम कैसे करेंगे ब्लैक, हम यहाँ पे आएंगे डिज़ाइन पे। डिज़ाइन पे ये देखिए बहुत सारी जो टेम्पलेट्स वो यहाँ पे दिख गई उसकी थीम के लिए। यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में ये ब्लैक वाली थीम यहाँ पे आपको यहाँ पे मिल गई, तो ये ब्लैक थीम हो चुकी है। अब देखिए हम जो जो भी टॉपिक यहाँ पे लेकर आएंगे वो हम इसको उसको पेस्ट कैसे करेंगे, पहले इनको छोटा कर लो क्योंकि राइट हैंड साइड में हमको इमेजेस भी डालनी है, ठीक है। ये हमने छोटा कर लिया। अब देखिए इंट्रोडक्शन को हम कॉपी किए, कॉपी करके हमने इसको यहाँ ला के पेस्ट कर दिया, ठीक है। फिर इसको हम कॉपी करेंगे, ये जो नीचे वाला टेक्स्ट है कॉपी किए, एक मिनट, इसको हम किए कॉपी, सेलेक्ट करके कॉपी किए। और यहाँ पर ये डॉट दिखा रहा, मतलब ये बुलेट फॉर्म ऑन है, इसको एक बार बैक स्पेस की दबा देंगे तो ये बुलेट हट जाएगी यहाँ से। इसको कंट्रोल वी करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सेम टू सेम ही आ चुका है, ठीक है। अब ये इसको वैसे ही नहीं रखना है, इसको क्या करना है, इसको ऐसे करके पूरा सेलेक्ट करेंगे, फिर होम होम में जाएंगे, होम वाली टैब में। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो पैराग्राफ वाली रिबन है इसमें यहाँ पर बीचों बीच में ये देखिए लाइन स्पेस, लाइन स्पेस आपको एक देना है, ठीक है। एक थोड़ा अच्छा रहता है, मतलब दिखने में सही रखता है। और यदि आप लाइन स्पेस नहीं देते हैं तो ये थोड़ा भद्दा सा लगता है, मतलब एक एक दूसरे के ऊपर जो शब्द रहते हैं वो घुस जाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इस प्रकार ये बन गई, और इसको थोड़ा सा अरेंज कर सकते हो इधर ड्रैग ड्रैग करके, ठीक है। जितना हो गया, अब देखो हमको फोटोज़ भी लाना है। अब फोटो कैसे लाएंगे, फोटो हम करके लाएंगे डाउनलोड करके, ठीक है। फोटो कैसे करेंगे, राइट क्लिक करेंगे इसमें, हम करेंगे यहाँ पर डाउनलोड, ठीक है। डाउनलोड हो गई फोटो, और हम यहाँ पे चले जाएंगे कहाँ, ये इस वाले सेक्शन में, डाउनलोड सेक्शन में जहाँ पे डाउनलोड हुई है इसको लाके हम छोड़ देते हैं यहाँ, जो हमारा प्रेजेंटेशन का सॉफ्टवेयर है यहाँ पे, ठीक है। ये बन गई, ठीक है, ये आ चुकी है। अब इसको थोड़ा जैसे ये बोल्ड में है तो इसको बोल्ड कर लो, और ये इस प्रकार आप रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने टॉम AI टूल में यहाँ पर ये प्रेजेंटेशन इस प्रकार से देखा, और यहाँ पर ये बन चुका है हमारे ऑफलाइन सॉफ्टवेयर में, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसको बना सकते हैं, और इसको सेव करके रख लेंगे तो ये आपके लिए ऑफलाइन सेव हो जाएगी। और ऑफलाइन जब आप सेव करोगे तो इसको पेन ड्राइव से या फिर किसी और को सेंड करना तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। और भी चीज़ आपको यहाँ जोड़ना तो आप जोड़ सकते हो, ये बहुत ही अच्छा टूल है। और यहाँ पर देखिए, यदि आप इसको पावर पॉइंट में लाकर छोड़ भी रहे हो तो यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी ये हो गई है कि आप कॉपी पेस्ट तो कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर जो AI की सहायता से जो यहाँ पे जो कंटेंट को उन्हें सिलेक्ट किया है वो बहुत ही उपयोगी है, ठीक है। कंटेंट ने बहुत उन्हें जनरेट किया है कि इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा, उसमें बहुत ही क्रिस्प फॉर्म में दिया है। तो आपकी जो मेहनत थी गूगल में सर्च करके, टॉपिक सर्च करके, फिर वहाँ से शॉर्ट करके लेके आना टेक्स्ट को, तो ये मेहनत आपकी बच गई। सिर्फ आपको यहाँ से कॉपी और पेस्ट करना है यहाँ पर, तो इसमें मैं मानता हूँ कम से कम 5-10 मिनट में आपका, जैसे 20-25 स्लाइड भी रही तो 5-10 मिनट में आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। मतलब 5-10 मिनट के अंदर में यदि ऑफलाइन सेव करना तो वो हो जाएगा, और यदि आपको प्रेजेंटेशन नहीं बनाना है तो यहाँ पे न्यू प्रेजेंटेशन 5-10 सेकंड के अंदर में जो भी टॉपिक आप डालेंगे उसके बाद ये जनरेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत ही छोटा वीडियो मैं बनाना चाह रहा था, लेकिन ये काफ़ी बड़ा वीडियो हो चुका है, लगभग 12-13 मिनट अभी हो चुके हैं। देखो यहाँ पे जो बड़े वीडियोस रहते हैं उसका फ़ायदा ये रहता है कि आपको इसमें बारीकियाँ सीखने को मिलती है। जैसे मान लो मैंने इसका शॉर्ट बनाया हूँ, तो शॉर्ट में भी मैंने आपको सिर्फ बताया कि ये टूल है, इसको आप ऐसे यूज़ करेंगे, लेकिन मज़ा उसमें उतना नहीं आता जब तक एक एक टूल के बारे में आपको ना बताएं, ठीक है। क्योंकि जैसे मान लो एक भी टूल यदि जैसे मान लो रह गया या कुछ हो गया तो ऐसा लगता है कि आपने बताया या फिर नहीं बताया, या फिर कुछ टूल ऐसे होते हैं कि जो आपको हमको आपके ऊपर छोड़ देने होते हैं कि आप उसको कर लेंगे। तो इस प्रकार जो लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट रहता है वो काफ़ी यूज़फुल होता है, इसमें बारीकियाँ पता चलती है काफ़ी अच्छे से। और जैसे मैं यहाँ पे टाइप करके लिख रहा हूँ या फिर जो कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ वो मैं कैसे कर रहा हूँ, यदि मैं सिर्फ बोल के बता देता है कि ऐसे ऐसे करना है, कुछ लोग समझ जाते हैं, कुछ लोग नहीं समझ पाते। 90% लोग को बताना पड़ता है कि यहाँ पे इसको ऐसे करते हैं, क्योंकि जैसे प्रेजेंटेशन बनाने की बात आती है तो वहाँ पे कुछ टाइम लगता है। हर कोई प्रेजेंटेशन नहीं बनाता, हर कोई हमेशा प्रेजेंटेशन नहीं देता, लेकिन जब कभी पहली बार देने की बात आती है, बहुत कम देते हैं, तो ये समस्या हमेशा सबके सामने आती है। तो ये था AI टूल का वीडियो जिसका नाम है टॉम AI। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, और यदि आप इसे प्रेजेंटेशन बनाते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं किस टॉपिक के ऊपर आपने बनाया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।